एक ऐसी कहानी, एक बंगाल में एक ऐसा दंपत्ति, ऐसा जोड़ा जिसको श्याम बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता कि श्याम बाबा क्या है, कुछ भी नहीं पता, एकदम हकीकत कहने जा रहा हूं मैं आपसे। और उसका पति, हर नारी हमारे बंगाल में, देखिए खाली हिंदुस्तान में, केवल पूरे वर्ल्ड में केवल एक देश ऐसा है जिसके साथ जुड़ता है माता, भाई साहब एक देश ऐसा है जिसके पीछे जुड़ता है माता, उसका नाम है भारत। भारत माता के लिए ताली बजाओ जरा जोरदार। आपने सुना है कभी जिंदगी में, अमेरिका मामा, पाकिस्तान चाचा, अफगानिस्तान नाना, पर हम लोग बोलते भारत माता। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में सर्वोच्च स्थान स्त्रियों का है। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी थे और पुरुष आज भी आभारी है। हमारे भारत की नारियों के लिए तालियां जरा जोरदार जोरदार तालियां जोरदार। एक भारतीय नारी ने, जितने भी, मैं कृपा करके हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं सबसे, एक घंटे का मुझे, मैं 11 दिन में आपसे कुछ नहीं मांगा पर एक घंटे का क्षमादान मांगता हूं। आप लोग शांतिपूर्वक देखें, कोई भी विघ्न ना डालें लीला में, सब देखें। आइए, उस नारी के साथ जो चमत्कार हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, कोई नाटक नहीं है, ये आपके साथ बीतने वाली, मेरे साथ बीतने वाली, अड़ोस पड़ोस में बीतने वाली और भारत के हर कोने में बीतने वाली सच्ची कहानी है। एक बार भारत की नारियों के लिए तालियां जरा जोरदार जोरदार। पुरुष, पुरुष क्या है प्रधान जी? पुरुष क्या है? पुरुष कमाने की मशीन है, वो कमाता है, पर नारी जो होती है वो घर को स्वर्ग बनाती है। अगर नारी नहीं हो तो पुरुष कुछ नहीं है, जीरो है। नारियों के लिए सम्मान, ताली जितनी जोर बजा सकते अपने माता बहने के लिए ताली बजाओ जरा जोरदार जोरदार। बोलिए भारत माता की। आइए, हर साल फागुन का मेला आता, श्याम का निशान आता, और एक श्याम का प्रेमी हमारे कलकत्ते का जोगी बाबा हजारों हजारों भक्तों को लेकर श्याम के दरबार में जाता। तो एक बार चाहूंगा ही बजरा उठा ले हाथ श्याम के निशान के लिए, दोनों हाथ उठा ले पूरे के पूरे एक साथ। श्याम, श्याम का निशान, श्याम का निशान, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम। श्याम का निशान, श्याम का निशान, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम। श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार 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 है, खाटू जाना चाहता है वो हाथ उठाना पूरे के पूरे और ये ताली बजा के जोरदार। श्याम का निशान, श्याम का निशान, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान, श्याम का निशान, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम, श्याम का निशान लेके चलो खाटू धाम। लाइट तो ठीक है, बोल सच्चे दरबार की। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए औरत, और इस जग में अपना नाम अमर कर जाए औरत। अगर दुनिया में औरत नहीं होती तो ये संसार नहीं होता। हम सब भ्रूण हत्या करते हैं,
घर में बहू को लाके दहेज प्रथा का गंदा कार्य करते हैं। याद रखना, हर घर में अगर नारी नहीं तो कुछ नहीं। एक ऐसी नारी की कहानी जिसका पति बुरी संगतों में पड़कर अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठा, और उसके बाद बाबा श्याम की ऐसा कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, आप सुनिए। एक है कहानी, सुनिए मेरी जुबानी, कलयुग में चमत्कारी बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया। इस बार में पूरे हेला मंडी को फागुन की सप्तमी का न्योता देता हूँ। जितनी संख्या में पधारोगे पधारना, पूरी हेली मंडी को दे रहा हूँ मैं। और जो खाटू जाना चाहे जरा उठाओ हाथ पूरे के पूरे, एक दो तीन चार। एक है कहानी, सुनिए मेरी जुबानी, एक है कहानी, सुनिए मेरी जुबानी। कलयुग में चमत्कारी बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कारी बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। और जिसको मेरे श्याम बाबा पे भरोसा है ना, वो केवल हाथ उठाना पूरे के पूरे, नहीं तो मत उठाना। ये तालियां जोरदार, बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति। पति है काम देव पत्नी सुंदरी सती, पति है काम देव पत्नी सुंदरी सती। स्वामी, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे पति हैं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। और ठीक कहती हो, और आपके घर, अरे जो स्त्री अपने पति की खुशी में खुशी ढूंढे और क्या चाहिए। मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी मिली। हाँ स्वामी, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अरे मैं देवता हूँ समझ गया। भाग्यवान, तुम्हारे पास जो मैंने पैसे रखे थे ना, वो पैसे कहाँ है? थोड़ा निकाल के लाओ, मुझे व्यापार में लगाने। भाग्यवान, वो पैसे कहाँ है? स्वामी, रोज रोज आप पैसे लेके जाते कहाँ हो? ये तो बताओ, इन पैसों का क्या करते हो? अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? ये पैसा मैं अपने जरूरी काम में लगाता हूँ। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। आप जैसा करें वैसा करें, आखिर पैसे तो आपके ही हैं। सेठ ने अपनी पत्नी से पैसे लिए और उसका एक मित्र, ये लो स्वामी, ये लो। अरे रामलाल, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, क्या करोगे इस पैसे का? दीमक लगाओगे क्या? क्या मतलब है भाई? अरे रामलाल, अरे कभी तो मौज मस्ती लो, कभी तो जिंदगी जियो। जिंदगी? कैसी जिंदगी? अरे मैं बहुत खुश हूं अपने परिवार में। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार, कुछ समझते नहीं हो। तुमने कभी जन्नत देखी है? जन्नत
जन्नत। हाँ देखिए ना, मेरे घर में तो मैं रोज जन्नत देखता हूँ, मेरा घर जन्नत से कम थोड़ी है। अरे रामलाल सच में, चलो आज मैं तुझे जन्नत दिखाता हूँ। जन्नत जन्नत दिखाओगे भाई? हाँ हाँ रामलाल चलो तो सही, मैं तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ, आओ। और अपने दोस्त के कहने पर रामलाल बुरी आदत में पड़ गया। देखिए इसमें कुछ भी बातें बुरी नहीं है, बुरा मन का दोष है, अगर बुरा समझोगे तो बुरा है, पर ये जो हकीकत है कलयुग की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कोई भी अन्यथा ना ले। कृपा करके आपसे निवेदन है मेरा, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है मेरा, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इसको कोई भी अन्यथा ना ले। सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम है, चरणों में सभी से नमस्कार है मेरा, आप कोई भी अन्यथा ना ले। इस भव्य बड़े बड़े इस विशाल मंच से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, जब आप ये खानी खत्म होगी तो आप वो संदेश लेके अपने घर में जाइएगा, आप पर श्याम बाबा की कृपा अवश्य बरसेगी। राम की तो कृपा आप पर है ही, एक हाथ श्याम का होगा और एक हाथ राम का होगा। और लीजिए, वो अपने दोस्त के साथ यार के साथ चला जन्नत देखने के लिए। क्या क्या यार मजा आया था, चलता हूँ मैं। रोज जाने लगा वो, धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे। उसकी पत्नी भारतीय नारी थी, उसकी माँ ने जाते समय कहा था विदाई के वक्त कि ये तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा पति परमेश्वर है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो इसका साथ कभी नहीं छोड़ना।
पत्नी अपने पति धर्म से कभी विमुख नहीं हुई, पति भलाई विमुख हो गया, और लीजिए उसके बाद पत्नी फिर आई घर में, पति का इंतजार कर रही है, पति रात देर से आ रहा है। क्या हुआ, न जाने कहां चले गए, अभी तक इतनी देर तक अभी भी घर नहीं लौटे, न जाने कहां चले गए हैं। अरे भगवान, अरे अरे आ गए आप, अरे भाग्यवान आज तो पूछे मत, आनंद आ गया, जन्नत में गया था जन्नत। अच्छा, कहाँ गए थे स्वामी? मत पूछो। अच्छा एक काम करो, थोड़े से पैसे और दे दो, पैसे और दे दो मेरे को। अरे स्वामी, अभी ही तो थोड़ी देर पहले आप पैसे लेके गए थे, वो पैसे क्या किए आपने? अरे वो तो सारे व्यापार में खत्म हो गए ना। व्यापार में? कैसा व्यापार है स्वामी कि इतने सारे पैसे आपने व्यापार में लगा दिए? अरे तुम है ना टांग मत अड़ाया करो, बोल दिया मैं तुमसे। अरे 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 ऐसे क्यों कह रहे हैं स्वामी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाना बकबक मत करो, ये पैसा क्या अपने बाप के घर से लाई थी? स्वामी कृपया करके अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मेरे माता पिता को सम्मान दें। भाड़ में गए तुम्हारे माता पिता का सम्मान, पैसे दे पैसे। स्वामी सारे पैसे खत्म हो गए और अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है स्वामी। कुछ भी नहीं है? नहीं स्वामी। तो एक काम करिए, गहने दे दे मुझे। नहीं स्वामी नहीं। ये गहने दे, नहीं स्वामी, ये गहने नहीं। दे बस मेरे पास अब यही बच गया है स्वामी, कृपया इससे मुझे ना छीने, छोड़ दो स्वामी, छोड़ दो, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो स्वामी, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति है कामदेव पत्नी सुंदरी सती, पति है कामदेव पत्नी सुंदरी सती, पर नारियों पे सेठ ने लुटा दी संपत्ति, सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। और सेठ सारे जेवर छीन छान के फिर गया उसी जगह पर जहाँ पर उसके दोस्त ने उसे जन्नत दिखाई दी। पत्नी रोती रही बिलखती रही, पर सेठ अपनी करतूतों से बाज नहीं आया, बाज नहीं।
सेठ, और पैसे है क्या तेरे पास? अरे नहीं नहीं, मैंने सब कुछ तो तुम लोगों को दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते। अरे निकल यहां से, चल जा। अरे अरे अरे, अरे मुझे समय दे दो, मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा ना, अरे मैं पैसे और लेके आऊंगा, मैं पैसे और लेके आऊंगा। अरे अरे ये क्या सफेद सफेद, ये क्या है तुम्हारे हाथों में? अरे अरे अरे, तुम्हें तो कोढ़ हो गया है, तुम्हें तो कोढ़ के रोगी हो गए हो तुम। छी 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 छी, निकालो इधर से इसको, इसे अभी के अभी इधर से निकालो, धक्के देके इसे यहाँ से निकाल दो, बाहर निकालो इसे, चले जाओ इधर से। और सेठ को निकाल दिया गया, पर नारियों पे सेठ ने लुटा दी संपत्ति, पर नारियों ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। सुंदर सती को छोड़ सेठ भोगी हो गया, सुंदर सती को छोड़ सेठ भोगी हो गया, पर नारियों से कोड़ का वो रोगी हो गया, पर नारियों से कोड़ का वो रोगी हो गया। उस नारी ने कहा कि सेठ आना अब नहीं, उस नारी ने कहा कि सेठ आना अब नहीं, भिखारी रोगियों का ये ठिकाना है नहीं, हाँ ठिकाना है नहीं, हाँ ठिकाना है नहीं। बदनाम जगह जाकर, बदनाम जगह जाकर धन संपत्ति लुटा कर, बदनाम जगह जाकर धन संपत्ति लुटा कर, सुंदर सती का पति, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया, जो भी गया है खाटो उसका नाम हो गया, जो भी गया है खाटो उसका काम हो गया। और उसके बाद सेठ अपने घर पे गया, आइस को ठीक कर दे यार थोड़ा सा। सेठ अपने घर पे गया और अपने हाथ छुपाने लगा, उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी स्वामी ये क्या हो गया आपको? स्वामी आप अपने हाथों को क्यों छिपा रहे हैं? स्वामी बताइए बताइए, स्वामी बताइए, ये आपके हाथों में क्या हो गया? क्या कहूँ, क्या बताऊँ, दिखाइए, क्या बताऊँ, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, क्या और छल का परिणाम मुझे मिला, मेरे मेरे हाथ में देखो, मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया। एक काम करो, तुम अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तुम मुझे छोड़ दो, जाओ जाओ कहीं और दूसरा विवाह कर लो, मुझे छोड़ के चली जाओ, मुझे छोड़ के चली जाओ, छोड़ के चली जाओ। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, एक भारतीय नारी का संपूर्ण सुख उसकी मां का सिंदूर होता है स्वामी, एक बार अगर सिंदूर कोई भर देता है, वही वही उसका सब कुछ होता है स्वामी, वही उसका सब कुछ होता है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती स्वामी, मैं आपका हर कदम पे साथ दूंगी। भाग्यवान, तुमको पता नहीं मैंने कितना कर्ज ले लिया है, मेरा घर बार बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया है, मैं कोड़ी कोड़ी को मेहताज हो गया, मुझे छोड़ दो, क्या मिलेगा तुम्हें मेरे साथ रहकर? नहीं स्वामी नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं आप पर सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी स्वामी, पर आपके कोड़ को ठीक करने के लिए चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, पर मैं आपको ठीक करके ही छोड़ूंगी स्वामी। अरे ताली बजाओ जरा जोरदार हमारी नारियों के लिए। प्राण ही क्यों ना निकल जाए स्वामी, चाहे मेरे जिद छोड़ दो, जिद छोड़ दो भाग्यवान, जिद छोड़ दो, जिद छोड़ दो, नहीं स्वामी नहीं। और वो नारी अपना सब कुछ बेच दिया उसने, कुछ आगे नहीं, डॉक्टरों के पास गई, अस्पतालों में गई, गली गली में चक्कर मारे, पर उसका कोई इलाज नहीं बना, कोढ़ दिन पर दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया।
उधर फिर से फागुन का मेला आया। कोलकाता में श्याम निशान की टोली चली, सारे निशान लहराने लगे, हाथ भाव पूरे के पूरे श्याम निशान पे। श्याम का निशान, श्याम का निशान, श्याम का निशान, जिसको विश्वास है हाथ उठा के तालियां जोड़ना। एक दो तीन चार, जय श्री श्याम। हाथू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, हाथू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, हाथू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, हाथू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। को श्याम बाबा की कहानी सुनाता था कि मेरे शीश का दानी इस दुनिया में केवल कोई है, कलयुग में अगर आधार है तो केवल शीश के दानी का है। जिसने भी शीश का दानी का सहारा लिया उसको मेरे बाबा ने किनारा दिया, किनारा दिया, किनारा दिया, किनारा दिया। और उधर वो बंगाल की धर्मपत्नी अपने पति को लेकर दर बदर भटक रही है कि कोई तो मिल जाए जो उसकी नैया को पार लगाए, कोई तो मिल जाएगा। एक है कहानी सुनिए मेरी जुबानी, एक है कहानी सुनिए मेरी जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, ताली बजाओ ना जोरदार। एक रोज पति पत्नी को एक शख्स मिल गया, एक रोज पति पत्नी को एक शख्स मिल गया, एक रोज पति पत्नी को एक शख्स मिल गया, एक रोज पति पत्नी को एक शख्स मिल गया। बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। अरे मेरी बिटिया, अरे क्या बात है बिटिया, अरे काहे को रो रही हो,
और ये तुम्हारे साथ में ये कोड़ी कौन है बिटिया, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे बिटिया बताओ। क्या बताऊं पापा, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ये अभागा मेरा पति है और पर नारियों के चक्कर में इसकी ये गति हो गई है बाबा, इसकी ये गति हो गई। बाबा ये मेरा सुहाग है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती बाबा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। इसकी ये हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती बाबा। अब आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कुछ उपाय करें बाबा, कुछ उपाय करें। मुझसे इसकी ये हालत और नहीं देखी जाती बाबा। अरे बिटिया, अरे बिटिया चिंता की कोई बात नहीं, बस एक बार खाटू श्याम के मंदिर में चली जा, श्याम बाबा के दर्शन कर ले, और चाहे जैसे भी हो, चाहे कितने भी संकट आए, श्याम बाबा को एक निशान चढ़ा ले बिटिया, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी बिटिया। एक बार खाटू जा, श्याम बाबा के दर्शन कर। बाबा ये खाटू वाला कौन है, कहाँ रहता है, इसकी महिमा क्या है बाबा, मुझे बताइए। ये खाटू वाला कलयुग का देव है। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय बर्बरीक को वरदान दिया, जब बर्बरीक ने स्वेच्छा से अपना शीश दान दिया तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग तुम्हारे नाम होगा, और जो भी हार के तेरे दरबार में आएगा तू उसका साथी बनेगा। जो भी इसके दरबार में हार के गया है, मेरे श्याम बाबा ने उसे जीत दिलाई है। बोलो हारे के सहारे की। बस बिटिया कैसे भी करके तू इसको लेकर खाटू चली जा। खाटू जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं, रात में यहाँ से जयपुर मिल जाती है, जयपुर उतर जाना बेटिया, और वहां से रिंगस, और रिंगस से एक निशान लेके सीधे खाटू के दरबार में चली जाना। अच्छा बेटिया मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दे। तो ठीक है बाबा, तो ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी बाबा, मैं वैसा ही करूंगी। एक रोज पति पत्नी को एक शख्स मिल गया, एक रोज पति पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। भोला भगत से बिगड़ी किस्मत बनाइए, भोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए। और जाए तो कैसे जाए, कुछ हो पास में तब तो जाए, ना धन ना दौलत ना परिवार ना बच्चा ना कोई साथी ना कोई संगी, जब पैसा आता है ना तो सब आते हैं, और जब पैसा जाता है तो अपने भी मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं। पैसा आएगा तो आपके 1000 रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, अगर पैसा चला गया तो आपका बेटा आपको लात मार के घर से निकाल देगा कि आपका इस घर में क्या काम है। पर ये मेरा श्याम बाबा, जो श्याम के दीवाने हैं वो श्याम की महिमा को जान सकते हैं। पत्नी के पास कुछ नहीं, एक आखिरी निशानी, एक केवल और केवल एक निशानी जो सर्वश्रेष्ठ निशानी होती है पति की। उस पत्नी ने क्या किया, क्या करूं, क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, खाटू कैसे जाऊं, क्या करूं। मेरे पास मेरा मंगलसूत्र है। नहीं 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 नहीं, मंगलसूत्र मत भेजो, मैंने तुमको आज तक दिया क्या है, अरे आज तक मैंने तुमको दिया क्या है जो तुम मंगलसूत्र बेचने चले। नहीं भगवान, ऐसा नहीं करो। नहीं स्वामी, नहीं, आपसे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है स्वामी, कुछ नहीं है। अगर आप ही ना रहे तो
तो मैं इसका क्या करूंगी स्वामी, मैं इसका क्या करूंगी, आप ही बताइए स्वामी, आप ही बताइए। मेरी मेरी तो आखिरी निशानी केवल आप है स्वामी, केवल और केवल आप है। अगर बजाइए हमारे भारत की नारियों के लिए तालियां, जोरदार तालियां। अगर आप ना रहे स्वामी तो मैं क्या करूंगी स्वामी, तो मैं क्या करूंगी। भोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, भोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर, फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर, फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर, फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर। देखो ये है पत्नी सर्वश्रेष्ठ निशानी, वो भी बेच डाली। ताली बजाओ ना थोड़ा जोर। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर, फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर, लेकर पति को चल पड़ी है श्याम के नगर, लेकर पति को चल पड़ी है श्याम के नगर, रस्ते पे सुंदरी पे पड़ी पाप की नजर, रस्ते पे सुंदरी पे पड़ी पाप की नजर। कहाँ जा रही हो, इस कौड़ी में क्या रख रहा है, चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा, चल चल मेरे साथ। नहीं, नहीं, तुझे तुझे अभी बताती हूँ, तुझे अभी बताती हूँ, पर नारियों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है, तुझे अभी बताती हूँ। देख देख इसे, देख देख इसे दुष्ट, देख भोगने का अंजाम क्या होता है, देख देख इसे, देख। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर, फागुन में पत्नी अपना मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, चला जा इधर से, अच्छा मैं जाता हूँ, चला जा इधर से। लेकर पति को चल पड़ी है श्याम की नगर, लेकर पति को चल पड़ी है श्याम की नगर, रस्ते पे पड़ी पाप की सुंदरी पे नजर, रस्ते पे पड़ी पाप की सुंदरी पे नजर। बोला तू छोड़ कोड़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। पापी से पत्नी बोले, पापी से पत्नी बोले, ये कोड़ इसका ले ले, पापी से पत्नी बोले, ये कोड़ इसका ले ले। पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका नाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। आज 11 का दिन है और 11 और 12 का मिलन हुआ है, अभी देख लो 12 बजे है, 11 और 12 का मिलन है और ये पगली जा रही है शाम की नगर में। अगर आज हाथ उठा लोगे तो क्या पता आपके शाम काम बना दे। एक साथ तालियां, एक दो तीन चार। रिंगस में वो भूखी रही, हेली मंडी वालों कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस खाली एक चीज। रिंगस में वो भूखी रही पति को खिलाया, 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 हाथों से अपने पति को पानी भी पिलाया, हाथों से अपने पति को पानी भी पिलाया। पैसे भी खत्म हो गए, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। रिंगस में पगली हो गई पति के पीछे,
के निशान की टोलियां चल रही थी, बाबा धाम की तरफ भर रही थी। जोधपुर मोल से रात में पगली 12 बजे पहुंची और 2 बजे रिंगस रात में अंधेरी खूब अंधेरी रात में पगली इससे भीख मांग रही है, उससे भीख मांग रही है। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुन तो लो, अरे अरे कृपा करके मुझे पैसे दे दो, कृपा करके मुझे पैसे दे दो, मुझे निशान चढ़ाना है, मुझे निशान चढ़ाना है। किसी को पगली पर दया नहीं आई, कृपा करके कोई पैसे वैसे नहीं है, चल यहाँ पैसे दे दो। क्योंकि श्याम बाबा के दरबार में हर इंसान अपना काम बनाना जानता है, दूसरों का काम बनाना नहीं जानता। अरे सुनो, अरे सुनो, हर इंसान कोई तो सुनो, श्याम बाबा के दरबार में 25 लाख आदमी जाते हैं, उसमें 25 के 25 भिखारी जाते हैं, सारे के सारे भिखारी जाते हैं, सब लेने के लिए जाते, देने के लिए कोई नहीं जाता। अगर जिस दिन देने की नियत हो गई, श्याम बाबा के घर में जाने की दरकार नहीं पड़ेगी, श्याम बाबा खुद आपके घर में आ जाएगा, श्याम बाबा खुद आपके घर में आ जाएगा, श्याम बाबा खुद आपके घर में आ जाएगा। अरे उठाओ ना हाथ पूरे के पूरे एक साथ। रिंगस में वो भूखी रही पति को खिलाया, रिंगस में वो भूखी रही पति को खिलाया, हाथों से अपने पति को पानी भी पिलाया, हाथों से अपने पति को पानी भी पिलाया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। जिस श्याम बाबा की नगरी में लाखों लाखों निशान चढ़ते हैं, लाखों लाखों गुलाल उड़ते हैं, पर आज उस पगली पर किसी को दया नहीं आई, किसी को दया नहीं आई, किसी को भी दया नहीं आई। पगली ने क्या किया? पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। तो जिस काट पगली ने, तो जिस काट पगली ने निशान रंग दिया, तो जिस काट पगली ने निशान रंग दिया। देखो भैया, आज मैं आपको एक हकीकत सुना रहा हूँ, जो पगली बन के घूम रही है ना, ये कोई पगली नहीं है। सच में आज से 3 साल पहले ये पगली का रोल कर रही थी और उल्टा चक्कू घुमा दिया इसने अपने हाथ पे, और इसके हाथ पे 60 टके लगे हुए देख लेना। और इसके बाद आधी घंटा पगली चली, खून गिरते रहे, पर इसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज ये रामलीला में मंचन कर रही है। उठा लो हाथ जिसको भरोसा है श्याम का, 1 2 3 4। वो भूखी रही पति को खिलाया, हाथों से अपने पति को पानी भी पिलाया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, तो साड़ी का पल्ला फाड़ निशान बनाया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, तो जिसने काट खून से निशान रंग दिया, तो जिसने काट खून से निशान रंग दिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। कोड़ी को ला रही है, कोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है, कोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। और जिसको मेरे बाबा में विश्वास, उठाओ ना, बार बार भीख मांगनी पड़ती, उठा के हाथ, ये तालियां जोरदार, 1 2 3 4।
चलते 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 पगली तक के चूर हो गई, चलते चलते पगली तक के चूर हो गई, हो चलते चलते पगली तक के चूर हो गई, चलते चलते पगली तक के चूर हो गई। अरे भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, अरे भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई। उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण तीन लोक का पालक, बालक था श्री कृष्ण तीन लोक का पालक। और बालक ने पगली को उठाया। रुको मैं उठाता हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उठो उठो मेरी, उठो मेरी बहना, उठो। अरे क्या बात है बहना, अरे बोलो तो सही क्या बात है। अरे अरे बहना, अरे आंखें खोलो, लो पानी पियो, लो बहना। उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीन लोक का पालक, बालक था श्री कृष्ण तीन लोक का पालक। अरे बहना लो पानी पियो, पानी पियो बहना, पानी पियो। अरे 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 बेटे, अरे भाई, कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या क्या नाम है तुम्हारा? भाई भाई मैं बड़ी मुसीबत में हूँ भाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई। अरे अरे मेरी बहना, मेरा तो काम यही है, मेरा नाम गोपाल है और मैं श्याम प्रभु का सेवक हूँ। मैं श्याम प्रभु का सेवक हूँ, जो भी मुझे पता लग जाता है कि जो भी हार के आया है उस हारे हुए को खाटू नगरी तक ले जाना मेरा काम है मेरी बहना, मेरा काम है मेरी बहना। हाँ, हाँ, मुझे मेरा काम है, खाटू का रास्ता बता दो भाई, कृपा करके। हाँ बहना, अब मैं आ गया हूँ ना, चिंता की कोई बात नहीं। उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीन लोक का पालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में पानी भी पिलाया, पगली को उठा गोद में पानी भी पिलाया, और खाटू धाम जाने का रास्ता भी बताया, और खाटू धाम जाने का रास्ता भी बताया। चल मेरे साथ आनी जरा, एक दो तीन भाई। ये मेरी बहना देखो, ये करुणा माता का मंदिर है, यहाँ दर्शन करो। बोलो करुणा माता की जय। ये बहना ये देखो, ये लापुआ लापुआ, यहाँ पर विश्राम करके थोड़ा सा पानी पी लो, प्रभु का गुणगान करो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखो, ये बहना ये देखो, आ गया श्याम प्रभु का तोरण द्वार। जय श्री मेरी बहना, ये देख, ये कबूतर चौक, ये कबूतर चौक आ गई, और ये बस थोड़ी दूर में मंदिर है मेरी बहना, चिंता मत कर, बस मंदिर बगल में ही है। देखो पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में पानी भी पिलाया, पगली को उठा गोद में पानी भी पिलाया, श्री खाटू धाम जाने का रास्ता भी बताया, श्री खाटू धाम जाने का रास्ता भी बताया, श्री श्याम जी के मंदिर तक साथ में आया, वो तो साथ में आया, वो तो साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा, ताली बजाओ ना,
समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया जो भी गया है खाटो उसका काम हो गया जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। अब बताओ किसको किसको विश्वास है मेरे श्याम पर ये तालियां जोरदार एक दो तीन चार कीर्तन हो रहे थे सारी दुनिया अपने आप में मस्त थी किसी को पगली से कोई लेन देन नहीं था ये पगली क्या कर रही है जी रही है मर रही है कोई लेन देन नहीं क्योंकि खाटू के दरबार में हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना काम बनाने जाता है और कुछ करने नहीं जाता कि बाबा मेरा काम कर दे मेरा काम कर दे मेरा काम कर दे जिस दिन बाबा से बोलोगे कि बाबा मेरा काम कर या ना कर दूसरों का काम कर दे उस दिन बाबा देखो बिना बोले आपका काम कर देगा बिना बोले आपका काम कर देगा। फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई। जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से थोड़ी फोड़ी को लेकर आ गई मंदिर में एंजॉय इनका कोई 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 काम नहीं है जाओ निकलो यहाँ से दर्शन करने दो अरे मंदिर बंद हो गया दर्शन करने दो जाओ जाओ यहाँ से दर्शन करने दो पुजारी बोल के चला गया पर पगली तो पगली है जो जानते हो बाबा किसको मिलता है जो पागल होता है उसी को मिलता है अगर इसके प्रेम में डूबना है तो पागल बनना पड़ेगा सियाने बन के जाओगे ना तो केवल धन दौलत लेके आओगे बाबा नहीं मिलेगा अरे पागल बन के तो देखो कितना आनंद आता है उठाओ हाथ एक साथ एक दो तीन चार द्वारे बंद के पगली पहुंच गई मंदिर के द्वारे बंद के पगली पहुंच गई बारी से सर पटक पटक के पगली हंस रही बारी से सर पटक पटक के पगली हंस रही पगली पहुंच गई मंदिर के द्वारे बंद के पगली पहुंच गई द्वारी से सर पटक पटक के पगली हंस रही द्वारी से सर पटक पटक के पगली हंस रही लाखों भगत ने श्याम जी को रंग लगाया लाखों भगत ने श्याम जी को रंग लगाया
एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई। दरबार श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। बेहोश पगली बोली, बेहोश पगली बोली, अब खेलो श्याम होली। बेहोश पगली बोली, खेलो श्याम होली। रंग दूंगी तुझको खून से, क्यों आज सो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। तो बाबा ही है, परीक्षा लेता है। उठाओ हाथ पूरे के पूरे, ये तालियां एक दो तीन चार। पगली बेहोश, कोड़ी बेहोश, दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। छाई घटाए घोर तो बादल उमड़ पड़े, छाई घटाए घोर तो बादल उमड़ पड़े, छाई घटाए घोर तो बादल घुमर पड़े, छाई घटाए घोर तो बादल घुमर पड़े। चारों दिशा से आंधी और तूफान चल पड़े, चारों दिशा से आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिन हिना का घोड़ा करे कान को खड़े, हिन हिना का घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े श्याम चल पड़े, मंदिर के ताले टूट पड़े श्याम चल पड़े। पगली का खून केसरिया रंग बन गया, पगली का खून केसरिया रंग बन गया। घोड़ी विपति कामदेव सा बदल गया, घोड़ी विपति कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो नारी आ गई, मंदिर में दौड़ती हुई वो नारी आ गई। जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया। मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आँख खोल के श्री श्याम को देखा, पगली ने आँख खोल के श्री श्याम को देखा। श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश ये ही गाता, रमेश ये ही गाता कहानी एक सुनाता, रमेश ये ही गाता कहानी एक सुनाता। खाटू में श्याम जी का सच्चा धाम हो गया, खाटू में श्याम जी का सच्चा धाम हो गया। और जो भी गया है खाटू उसका, जिसको जिसको विश्वास है कि बाबा श्याम हमारे काम कर सकते हैं, वो हाथ उठाना पूरे के पूरे, ये ताली बजाके। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। और उसके बाद बाबा श्याम ने सबको मोक्ष छड़ी का लगाया झाड़ा ए में। तो झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोक्ष छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे।
के उतर जाओ, पांव छू के चले जाओ, उतर जाओ। वो कट गई बड़ी बड़ी तलवार तेरी मोर छड़ी के आगे, कट गई बड़ी बड़ी तलवार तेरी मोर छड़ी के आगे, कट गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर छड़ी के आगे, कट गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर छड़ी के आगे। मोर छड़ी थारे हाथा में भगतों के तुमने निज भाग
गीत लगा त्राहि मां श्री पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो